4 माह के बाद आज मुझे जुमा की अदायगी का मौका मिल रहा है। मेरी ज़िंदगी में बालिग होने से पहले से लेकर जुमा तो क्या नमाज़े बंदगाना भी कभी कज़ा नहीं थी। अल्लाह के फजल से बालिग होने से पहले से मैं साहिब तरतीब। जालिमों ने 4 माह मुझे जुमा नहीं पढ़ने दिया, ईद नहीं पढ़ने दी। 14 अगस्त को मैं कह रहा था मैं अच्छे आज़ाद मुल्क में हूँ कि मैं जुमा नहीं पढ़ सकता। बहरहाल उसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। आज मुझे खुशी है कि मैं जुमा की अदायगी के लिए मौजूद हूँ। ईद वाले दिन तो वो जो मेरे पहरेदार थे उनको बिठा के मैंने खुतबा दिया अपने पिंजरे के अंदर। अगरचे शरी जो तकाजे थे उनके मुताबिक तो शराइत ही नहीं पाई जा रही थी, लेकिन फिर भी हमने अपनी हाज़िरी लगवाई और उसी जगह ईद पढ़ा दी। और मुझे वो रात नहीं भूलती कि जब मेरा दिल था लिखने को और लिख सकता नहीं था। मैंने खुशबू का वो पड़ी थी शीशी, और उसके अंदर वो जो शीशे का राड छोटा सा होता है खुशबू लगाने की, उससे मैंने कोशिश की बिस्किट वाले डब्बे पे लिखने की, मगर ना लिखा गया। सालन का शोरबा पड़ा था, मैंने उससे कोशिश की, ना लिखा गया। मेरी मेहंदी पड़ी थी, मैंने वो घोल के मैंने उससे कोशिश की, ना लिखा गया। मैंने कहा है अल्लाह ही कैसा देश है कि मैं लिख नहीं सकता। फिर मुझे एहसास हुआ कि लिखना जल्द कितना जरूरी है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं तो समझता था कि अगर मुझे जेल में रखेंगे तो मैं जेल में तफसीर लिख लूंगा, मैं जेल में ये लिख लूंगा। बोल तो ये तो काले पानी वाले अंग्रेजों से भी जालिम हैं कि जिन्हें ये भी डर है कि ये अगर लिखेगा तो हमारे लिए जवाल का बायस बन जाएगा। फिर मुझे ये जेहन में पक्का हुआ कि मेरा तो इतना मैंने इतनी जिंदगी खर्च की दीन समझने में, और अगर वो मेरे साथ ही दफन हो गया और मैं वो लिख ना सका ये भी एक मुझसे मुआखजा भी होगा और नुकसान भी होगा। ये जालिम तो यहाँ तक उसके दुश्मन हैं उस पैगाम को रोकने के। तो इससे भी एक मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी भी की। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बदन पर गर्मी के वो असरात कभी भी नहीं देखे। जो पहले हफ्ते में मेरा सारा बदन जो है वो तकरीबन 2,500 दानों से भर चुका था, यानी कोई एक इंच जगह भी खाली नहीं थी, और वो यानी फोड़ों की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। यानी ऊपर आग, वो बलब और सारी सूरत हाल इसके अंदर। लेकिन उस वक़्त उस गर्मी का भी ये नहीं था कि अब मर जाएंगे क्या होगा। और फिर अब ये जो सर्दी थी जो कि वहाँ पर वही जिसके ज़रिए से उन्होंने मुझे, मैं जब दाखिल हुआ तो इतने जालिम थे, ये कहा कि हम तुम्हें ये जो छोटी सी चटाई होती है प्लास्टिक की ये दे देते। वो गर्म कंबल था नीचे, उन्होंने बिछाया गर्मी के मौसम में, और सिरहाना गेट पे ही रख लिया। 4 महीने मैंने सिरहाना इस्तेमाल नहीं किया। वो कहते ये अलाउ नहीं है। अब इस मौसम में वो इतनी ठंड के नीचे से क्या मेरे लिए मुसलसल वहाँ बैठना 10 मिनट भी मुश्किल था। मैं इधर उधर सारे फिर के मेरी हड्डियाँ, मेरी गोश्त, 7 किलो वजन मेरा कम हो चुका था। अब शदीद सर्दी थी, चूँकि दरवाजे वो लोहे की सलाखें थी, वैसे तो सर्दी को रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी भी ऐसी तन्हाई मुझे मिली नहीं थी। वहाँ तो जेल के अंदर मेरी एक अलहदा जेल थी, वो सेल जो था उधर तो कोई अफसर भी नहीं आ सकता था सुपरटेंडेंट की इजाज़त के बगैर। उस सड़क को भी ताला लगा हुआ था, सिर्फ पहरेदार जिसकी रोज़ाना ड्यूटी थी, और वो भी वो जो 2-3 दिन आता था बदल देते थे कि इसकी कोई अलैक सलैक हो जाएगी, कहीं ये भी जलाली ना बन जाए। वो मुसलसल बदलते रहे और उनके ऊपर जो इंचार्ज होता था वो भी बदलते थे। उन्होंने सिर्फ मुझे ये देखना होता था कि कहीं लिख तो नहीं रहा, यानी उन्होंने आके जिस तरह वो इम्तिहान में बूटी पकड़ते हैं तो ये देखते थे कि इसके पास कहीं पेंसिल तो नहीं है, क्योंकि जो रोटी देने के लिए आते थे उनकी भी चेकिंग करते थे कि जेब में कोई पेंसिल तो नहीं लेके आ गया। इतना डर था उनको कलम का। मुझे फिर पता चला कि कितनी कुव्वत है कलम के अंदर। वो हमारे लिए अजियतें नहीं थी, बहुत सी ऐसी चीज़ें, लेकिन उन्होंने उसके लिए इतने लोग इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे के लगाए हुए थे कि तुमने पहरा देते रहना है, सामने कुर्सी बैठ के सोना नहीं, इसको देखना है रात ये क्या करता है, किस तरह बैठता है, लेटता है, बैठता है। यानी सामने जो दरवाज़ा जो है उसके अंदर तो कुंडी है ही नहीं, वो बाहर ही ताले उसके हैं, उन्होंने खोलने हैं, अंदर मैं तो बंद ही नहीं कर सकता। बटन जो है वो भी उनके कंट्रोल में है, वो चाहें तो चलाएं पंखा, चाहें तो बंद करें। एक मिनट भी इन 4 महीनों में मुझे परेशानी नहीं हुई कि मैं बंद हो गया हूँ। हालांकि आम ये बंदा जो है वो लिफ्ट में बंद हो जाए 4 मिनट तो घबरा जाता है कि अब क्या बनेगा। तो ये कभी तसव्वुर ही नहीं आया था। जब शाम को असर के टाइम उन्होंने ताला लगाना होता था, अंदरूनी ताला उस चक्की का, फिर पिंजरे के ताले, फिर अहाते के ताले, फिर सड़क के ताले, तो वो बेचारे मुलाजम को हजरत अब इजाज़त है हम बंद कर लें, कोई चीज़ तो नहीं लेनी बाहर से, पानी तो नहीं लेना। मैं कहता था हम, यानी एक दिन भी मैंने उन्हें नहीं कहा कि 1 मिनट ज़रा ठहर जाओ या 5 मिनट ठहर जाओ, अभी ताला ना लगाओ। और ना ही मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मैं बंद होने लगा। अगर खुदा न खास्ता मैं वहाँ बीमार होता रात को तो कम अज कम 5-6 घंटे के बाद मेरा किसी को पता चल जा सकता था। वो मुलाजिम जो कुछ फासले पर मेरा देखने के लिए बैठा हुआ है वो भी मेरी मदद को ताला खोल के अंदर तब आ सकता था जब 5-6 घंटे कम अज कम गुजरें, क्योंकि वो खुद 2 तालों के अंदर कैदी था और उसके पास कोई फ़ोन या कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, और ना ही बाहर कोई सुन सकता था। कभी कोई गश्त पे गुजरे उधर से वो बता सकता कि इनको अब ये हो गया है, वो हो गया। लेकिन अल्लाह का फजल है, मैंने ज़िंदगी में यानी इस तरह की लज्जत वाली ज़िंदगी कभी नहीं गुजारी जिस तरह यानी रब्बुल जलाल ने वहाँ रखा। हालांकि शुगर का मसला, ब्लड प्रेशर का मसला, वो हेपेटाइटिस, क्या क्या, लेकिन वहाँ मुझे ज़ुकाम तक नहीं हुआ, बुखार तक नहीं हुआ। और अल्लाह के फजल से ऐसी ट्रेनिंग हुई कि चूँकि वो सेल बिल्कुल डेथ स्क्वाड में था, मेरे साथ जो दूसरे थे वो सारे सजाए मौत के पिंजरों में बंद थे और साथ ही फांसी घाट था। तो मेरे लिए तो ये सुनहरी मौका था कि मौत को बड़ा करीब से देखता रहा। जब गर्मी का मौसम था तो वो वैसे उसकी ये सूरत हाल थी जैसे तनूर होता है,